नमस्कार, हम रवि किशन शुक्ल अपन अद्भुत हिंदुस्तान के पूरा भोजपुरिया आवाम के करत बानी सलाम और तहे दिल से स्वागत करत बानी डांस के सबसे बड़का शो जोना के नाम बाटे नाच नचैया धूम मचैया। आम इंसान के सपना साकार करे वाला ऐतिहासिक मंच अपन वजूद कायम कर चुकल बा। 10 गो जोड़ी में से 5 गो जोड़ी बन चुका। गणेश मास्टर जी मदन के चुनलन, मुबारक हो रिंकू जी, प्रदीप मुबारक हो, स्मृति जी मुबारक हो, वाह मुबारक हो सोनू बाबू गुंजन जी के जोड़ीदार के रूप में, मुबारक हो प्रकाश बाबू, मुबारक हो तारा के, मुबारक हो लवी जी, मुबारक हो वाह मुबारक हो मुबीन मिया का सिलेक्शन हो गए संगीता जी के जोड़ीदार खातिर, मुबारक हो संगीता जी। पूरा भोजपुरी आवाम हो जाए तैयार, आम नौजवान के सच होखे वाला सपना के पृष्ठभूमि बने जा रहल बा अब का रणभूमि। हाँ, यानी आज फिर भोजपुरी सिनेमा के 2 गो सुपरस्टार हीरोइन के संभावित डांसिंग जोड़ीदार के बीच हुई मुकाबला। तो शंखनाद करे से पहले स्वागत करल जाओ डांसिंग युग के 3 युगांधर के, नृत्य के नित्य साधना माने वाले डांसिंग संस्कृति के चेहरा नाचे मयूरी सुधा चंद्रन जी का स्वागत बाटे। भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के नटराज कानूदा के स्वागत बाटे। गणपति बाप्पा मोरिया सम्राट गणेश आचार्य के स्वागत बाटे। यहाँ 2 किस्म के सपने मैं देख रही हूँ। एक हीरोइंस जो अपने सपने साकार करने के लिए यहाँ पर डांस कर रहे हैं और ये इस मंच के जरिए वो हर घर तक पहुंचने वाले जो बड़े पर्दे के हीरोइंस हैं, आज वो बेडरूम तक पहुंच के लोगों के दिलों पर राज करने वाले हैं। और दूसरे वो बच्चे जो कुछ सपने लेकर अपने गांव से निकले हैं इस मंच पर कुछ दिखाने के लिए, तो जब ये दोनों सपने जुड़ेंगे तो कितना बड़ा सपना होगा ये। और इस सपने में मैं शामिल हो रही हूं, आई थिंक ये मेरा सपना था जो आज साकार हो रहा है। तो अब रउआ लोग के रोमांच के उफान देवे खातिर और धड़कन के रफ्तार बढ़ावे खातिर हम मंच पर बुलावे जात बानी, जोरदार ताली के साथ स्वागत करी भोजपुरियन हेलन, भोजपुरिया लोगन के दिल के धड़कन बस सीमा सिंह के। आग लगा देनी हो सीमा, बहुत विकराल परफॉर्मेंस रहे तोहार, अद्भुत। हम जनता जनार्दन से जाब, कैसे लगल हो इनकर परफॉर्मेंस, ताली के साथ बता दी कैसे लगल। धन्यवाद धन्यवाद। अब हम जाब युगांधर न्याय मंडल के समक्ष और जानब की सीमा जी का एगो अद्भुत जोन परफॉर्मेंस रहल हमारे न्याय मंडल के कैसे लगल। तो सर्वप्रथम गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोर, गणेश जी का कहवा। सीमा बहुत अच्छा किया आपने और एकदम क्या गर्दा मचा दे लू, गर्दा मचा ले लू, एकदम सॉलिड जबरदस्त भोजपुरिया फ्लेवर जिसे कहते हैं, जिसे नेटिविटी हम कहते हैं, वो आप में कूट कूट के भरा है, कूट कूट के भरा। मैम थैंक यू सो मच। सीमा जी आज आपको देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज तक मैंने भोजपुरी पिक्चरें क्यों नहीं की। लेकिन इतना जरूर वादा करती हूँ सीमा जी, यहाँ से जाने से पहले मैं भोजपुरी तो जरूर सीखू, लेकिन ना वादा यो करे के बाटे कि एक सिनेमा करबू और हमरे संगवे करबू तू। लेकिन हम हीरोइन करेंगे, आपकी माँ का रोल नहीं करेंगे। हीरोइन का रोल, अरे बाप रे। कानूदा सीमा जी के आपके इतना बड़ हाथ रहे, का आप तो सीमा सिंह के कैसे बनौला, कैसे देखला, आज कैसे ही भोजपुरी की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस में इनका नाम बाटे। रवि जी सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, सीमा का मेरा एक रिलेशन माँ बेटी या बाप बेटी मुझे पता नहीं, मेरी एक भतीजी इस दुनिया में नहीं है,
जब ये फर्स्ट टाइम मुझे कुछ साल पहले मिली तो मुझे लगा ये कौन मिल गई। मैं उसको देखता रहा, अच्छा मेरा भी आंख भर आया, उसका भी आंख भर आया। पता नहीं इसके साथ मेरा क्या रिलेशन है, मुझे आज तक नहीं पता है। तो मेरा पता नहीं वही बात होता जो पिछले जन्म में मैं इनको जन्म दिया होगा, मैं माँ होगा, मैं खत्म हो चुका होगा, जो इस जन्म ये मुझे सीमा बन के मिली। सभी 10 लड़कियां मेरी बेटियां हैं। बच्चे हमें माफ करना, क्योंकि पता नहीं इस लड़की के साथ मेरा क्या रिलेशन है, मुझे कभी समझ में नहीं आता। मैं अपने गले लगा के इसको आशीर्वाद देना चाहता हूं। थैंक यू रवि जी। कई रहलन कानुता, इनकर प्रेम एगो माई लड़की का प्रेम, एगो बाऊ लड़की का प्रेम। सीमा एक बात बता कि अब तोहरा के कैसा लगा था ये मंच पर आके? मैं आज बहुत डरी हुई हूँ। ये स्टेज मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैंने भोजपुरी में बहुत फिल्में की है, लेकिन जो मेरी सोच है कि हम लोगों के घर घर तक नहीं जा सकते। इस चैनल के जरिए, इस शो के जरिए, नाच नचे धूम मचे के जरिए आज हम लोगों के घर घर जाएंगे, और घर के इस शो के दौरान हम उनके दिल तक पहुंचेंगे। सोचा कितना बड़ मंच बाटे, ये तो शुरुआत बाटे, लेकिन क्लाइमेक्स कहाँ तक पहुंची? तो उ खातिर तो एगो बढ़िया लड़का का जरूरत बाटे है? हाँ, तो मैंने चुन के लाया ना पटना से। पटना से एक नहीं तीन तीन। हाँ, एक तो ना चली इनके, तीन तीन ठीक बात। काका भाई लो जा, हम ना सुनब। सीमा द्वारा चुनल गए तीनों संभावित जोड़ीदार बहुत आक्रामक हुन, और तनिके देर बाद यह मंच पर अपन डांसिंग के हुनर और तहलका मचाए वाला हुए। सीमा जैसन के हम ये बता चुकल बानी कि तोहार पटना ऑडिशन के हर पल, हर एक पल के कैमरा कैद कह चुके। सीमा के इम्प्रेस करे खातिर डांस के एक से बढ़कर एक धुरंधर ऑडिशन खातिर पहुंच गई। सीमा सिंह के जोड़ीदार उहे बनी जेकर डांस में हुई अनोखापन, त आपन जुनून और जोश के परवान चढ़े दी। कहे कि मुकाबला बा बहुत कठिन। अपनी छोड़ी से करी बियाह बुढ़ऊ है फागुन में। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम हैं गांव के छोरा, तू ता बाड़ू सहरी। Next, please. मन करे ना तोहरा के हम भली हूँ एक बार में, तो बतला ही कितना जुबल बानी तोहरा प्यार में। Please wait करे बार। बच्चों का ऑडिशन नहीं है, बड़ों का ऑडिशन है। आप चाहे सिलेक्शन करिए या नहीं करिए, लेकिन मैं आपके साथ में डांस करूंगा। नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डांस। नाम सुने तो दुनिया मो, हम ही हैं भोजपुरिया। 40 के उम्र भाई लगू वो नया बता। आओ देखो भी ये बका भी चरा बता। आपका प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा नहीं लगा। वो जो टैलेंट हम ढूंढ रहे हैं ना, वो नहीं है आप में। सर अगर हम छट जाएंगे तो हम मर जाएंगे सर। सीमा जी पहले फाइनलिस्ट का नाम लीजिए प्लीज। जोनू सिंह। पहले प्रथम चरण के ऑडिशन, फिर मेगा ऑडिशन में बारीकी से जांच परख के चुनैलन तीन गो धुरंधर संभावित प्रतिभागी। अभी बताओ कि तीनों फाइनलिस्ट की कौने अदा पे तू फिदा हो गई? तीन में एक एक अदाएं हैं। किसी में हमारे यूपी बिहार की खुशबू है, किसी में खुशबू लेकर आनी। डांस सुनने के बदले सुंगा लुका। डांस के तपिश में जले वाला ये तीनों फाइनलिस्ट के नाच में कितना कशिश बा, ये रउवे खुद अपने आंख से देखी और तय करी। न्याय मंडल तो देखता। जय हो भोजपुरी।
हमारा नाम बा मुकेश कुमार, नाच सचिया धूम मचिया के स्टेज पे हम अपन सपना साकार कर रहे बनी, साकार करके जाए सीमा सिंह के डांसिंग जोड़ीदार हम ही बनो। हमारा नाम है जोनू सिंह, सोच और ख्याल से परे हमारा एजा परफॉर्मेंस करे के बाद डांस के नया आविष्कार हम ही करब, क्योंकि हमारा बने के बाद सीमा सिंह के असली चीज। हमार नाम संजय यादव बा, डांस के अलावा हमरा मन में ना कौनो अरमान बा और ना ही कौनो ख्वाहिश बा, हमरा के पूरा विश्वास बा कि हम ही बनब सीमा जी के डांसिंग जोड़ीदार। का हो? प्रणाम भैया। प्रणाम बाबू, कैसन लागत है तरह के? बा नीक लागत है, पहली बार से स्टेज देखले बनी जिंदगी में। जिंदगी में अच्छा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, और खास कर हमारे सामने 3 गो जज बर महान महान, हम तो सपना भी ना सोचते थे कि उनका सामने हम डांस कर पाए। हमरा के बड़ा निक लगत बा यहाँ आएले के बाद और परफॉर्म करने के बाद, जो हमें मौका मिलल है मौका हम न चाहे गवाई, अब आगे हमारे बॉस लोग जिंदगी के सबसे बड़ा सपना हमारा पूरा भइल बा कि हम सर के सामने अपन लाइफ में कभी हम ना सोचते रहे कि गणेश आचार्य जी के सामने हमारा परफॉर्म करे के मौका मिली। आज हम माई हमारा बहुत खुश होगी सर कि आज मैं गणेश आचार्य जी के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं सर 1 मिनट के लिए वहाँ आ सकता हूँ सर, प्लीज़ 1 मिनट जा सके बाबू। थैंक यू सर। जरूर, बहुत अच्छा किया आपने इंट्री, और बहुत, और मेरे तरफ से अपने मम्मी को और तुमने जो मुझे प्यार दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस हिसाब से एनर्जी में तुमने डांस किया और उसी तरह से आगे बढ़ो, यही कामयाबी दिलाएगा तुमको। ऑल द बेस्ट तीनों को। अभी हम लोग सोच के बताते हैं कि कौन रहेगा कौन जाएगा। कानूदा कैसन लागल? संजय, तीनों में से हमें के कहे घूर घूर के नाचत रहो? काहे आज हमारा गेटअप हुआ जो चेंज हुआ वो इसके लिए? आप लोगों ने सबके देखा था ली? नहीं सुधा जी, प्रूफ है मैं, है ना, हम ही के देख रहे थे ना ये नाचत रहा मैं। मासी जी मुझे लगा वो मेरी तरफ देख के कुछ कर रहा था। संजय आपका परफॉर्म बहुत अच्छा था, सभी बच्चों लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। थैंक्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा है रवि कि मैं किसे हाँ कहूँ और किसे ना कहूँ, एक से बढ़कर एक है यहाँ पर, क्या करें अब। मतलब मैं जोनू की तरफ देखूँ तो मुझे मुकेश बहुत अच्छा लग रहा है, मुकेश की तरफ देखती हूँ तो संजय मुझे बहुत अच्छा लगता है, संजय को मैं हाँ बोलने जा रही हूँ तो जोनू कमाल का लग रहा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। धन्यवाद। तस्सीमा के तीनों संभावित डांसिंग जोड़ीदार में से कोई एक जना के अपन सपना पूरा करे का मौका मिली, उकेबा एकर फैसला तो शो के अंत में हुई। फिलहाल मंच पर एगो और भोजपुरी फिल्म के हीरोइन प्रतिभागी के मदमस्त परफॉर्मेंस हुई, ओकरा बाद उनका द्वारा चुनल गए संभावित 3 गो डांसिंग जोड़ीदार के बीच जबरदस्त जंग के ऐलान हुई, यानी आम नौजवान के सपना चुनौती के आग में तप के दुनिया के यकीन दिला दी कि वजूद बाटे सच के। हाँ बाबू, सीमा के तीनों दावेदार के परफॉर्मेंस रहुआ देख लेनी।